गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम जानेंगे हमारे मददगार के बारे में। बच्चों अभी तक आप जानते थे हमारे बेस्ट फ्रेंड, हमारे अच्छे मित्र कौन है? हमारे पेड़ अच्छे मित्र हैं। पेड़ हमें काफी कुछ देती है, पर इन रिटर्न वो हमसे कुछ नहीं लेती है, राइट? वो हमें रहने के लिए, खाने के लिए चीजें देती है। रहने के लिए कैसे? उससे उसके लकड़ी से हमारे लिए फर्नीचर भी बनता है, हमारे लिए घर के सामान बन जाते हैं, ठीक है? वो हमें शेल्टर देती है, पेड़ हमें शेल्टर देती है ना। फिर पेड़ हमें खाने पीने की चीज़ें देती है, खाने की चीज़ें काफ़ी सारे देती हैं, है ना। और मेडिसिन पीने के लिए हमारे पास मेडिसिन वगैरह भी काफ़ी पेड़ से ही मिल जाता है। कपड़े लत्ते दे देती हैं, तो पेड़ हमारे अच्छे मित्र हैं। इस तरह से जैसे पेड़ हमारे अच्छे मित्र हैं, कुछ हमारे आसपास के लोग भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। जैसे हम आप और हम सबको किसी न किसी की मदद की जरूरत होती है। जो हमारे मदद करते हैं उसे हम सहायक कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे मददगार। हमारे आस पड़ोस में काफी मददगार होते हैं, जिसके बिना हमारी हमारी लाइफ आसान नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो आज हम जानेंगे कौन है हमारे मददगार, इसके बारे में थोड़ा चर्चा भी करेंगे। और इसके औजार, ये जो मददगार है, ये कौन से औजार इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो बच्चों आप निकालिए 111 पेज, और ये है आपका पन्ना। ये इसमें लिखा है हमारे मददगार, इसके बारे में जानेंगे, माने हमारे हेल्पर्स जो हमारे आसपास है और हमें हर रोज कहीं कुछ ना कुछ तरीके से हमें हेल्प करते हैं। दे आर कॉल्ड अवर हेल्पर्स। तो हमारे मददगार में सबसे पहले हमारे पास है डॉक्टर। टीचर ने कुछ और नाम भी यहाँ लिख रखे हैं, हम इसके बारे में जरूर जानेंगे। पहले हम पाठ में जो है उसके बारे में जान लेते हैं। हम डॉक्टर के बारे में बोल रहे थे। डॉक्टर रोगियों का इलाज करता है। जब आप बीमार हो जाते हैं तो मम्मा आपको कहाँ ले जाते हैं? डॉक्टर के पास। चाहे आपका पेट दर्द है, बुखार है, हमें डॉक्टर के पास जाना है, कहीं चोट लग गया डॉक्टर के पास जाना है। तो डॉक्टर और नर्स हमारे लिए क्या है? हमारे मददगार है। किस तरह से वो हेल्प करते हैं? वे हमें दवाई देते हैं और हमारी ट्रीटमेंट करके हमें सही तरीके हमें ठीक कर देते हैं। हमारी जो बीमारी है हमारी ठीक कर देते हैं, ये हमारे मददगार हैं डॉक्टर। अगला हमारे पास है अध्यापक या शिक्षक। अध्यापक हमें नई नई चीज़ें स्कूल में पढ़ाते हैं, अध्यापक विद्यालय में पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है अध्यापक विद्यालय में पढ़ाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम विद्यालय के बारे में बात करें, शिक्षक या अध्यापक कोई भी हो सकता है, चाहे वे आपके पापा मम्मी भी हो सकते हैं। क्यों? डेली हर रोज कुछ ना कुछ आप उनसे सीखते हो, कुछ ना कुछ आप उनसे जानते हो। जो आपको कुछ नया नया चीज़ सिखा रहा है, पढ़ाई करना सिखा रहा है, लिखना सिखा रहा है, अपने ज़िंदगी के बारे में नए कुछ सुझाव दे रहे हैं, ये सब हमारे अध्यापक हैं, ठीक है? आगे है हमारे पास कुम्हार। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। कुम्हार हमारे लिए नए नए मिट्टी के बर्तन बनाता है, और इस मिट्टी के बर्तन में पानी रखने से पानी काफ़ी ठंडा रहता है, इसे कुम्हार कहते हैं, ठीक है? या पॉटर, इंग्लिश में बोलेंगे पॉटर। तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्वाला। ग्वाला जो आपके लिए दूध लेकर आता है, ग्वाला दूध बेचता है, जो आपके लिए दूध लेके आता है, या आप बोल सकते हो मिल्कमैन, इंग्लिश में मिल्कमैन बोलते हैं। हर रोज सुबह आपके घर में ये पहुंचा देते हैं दूध, इसे ग्वाला कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सब्जी वाला। सब्जी बेचता है और है सब्जी वाला, तो हम सब्जी वाले को बोलते हैं वेजिटेबल वेंडर। और ये क्या करते हैं? ये हमारे लिए वेजिटेबल्स सेल करते हैं, वेजिटेबल्स बेचते हैं। अगर ये लोग हमारे लिए ये सब नहीं बेचते, वेजिटेबल्स नहीं बेचते, तो हमें क्या करना पड़ता? हमें फिर खेत में जाना पड़ता लेने के लिए, और हमें तो पता ही नहीं खेत इधर आसपास कहाँ है। तो जो सब्जी चाहिए हमें मार्केट में जाते हैं और मार्केट में मिल जाता है, चाहे वो आलू, टमाटर, प्याज, लौकी, भिंडी, कुछ भी बोलिए, एक ही मार्केट में सारे सब्जी मिल जाते हैं। सब्जी वाले के पास हमें ये मिल जाता है,
तो ये हमें इस तरह से मदद करते हैं कि एक ही जगह में हमें सारा सामान मिल जाता है। तो हम वापिस और एक बार देख लेंगे, डॉक्टर, कुम्हार, अध्यापक, अध्यापक हम शिक्षक भी बोलेंगे, ठीक है, ये दोनों एक ही है, अध्यापक और शिक्षक एक ही चीज है, एक ही जगह हम इस्तेमाल करेंगे। वाला, सब्जी वाला, आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन है हमारे मददगार, और बहुत सारे लोग हमारे मददगार हैं, लेकिन टीचर ने आपके समझ से जितना हो उतना टीचर ने आपको लिखकर दिखाया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो आप जिनके बारे में जानते हो उसके बारे में हम बात करेंगे। मोची मतलब कॉबलर, जो आपके लिए जूते बनाता है, जूते खराब हो जाते हैं, जूते फट जाते हैं, हम उसके पास जाते हैं, मोची के पास। नेक्स्ट पुलिस, जो गंदे अंकल लोगों से हमें बचाते हैं, चोर से हमें बचाते हैं, हमारा सामान चोरी हो जाता है तो वे हमें ढूंढ के निकालते हैं, ठीक है, कोई जगह मारपीट हो रही है तो पुलिस जाती है, मारपीट रोकते हैं, और इस तरह से हमारे मददगार बनते हैं। नल साज, अब नल साज किसको बोलेंगे, प्लम्बर। जब हमारे घर में कोई नल खराब हो जाते हैं, पापा का प्लम्बर अंकल को बुलाना पड़ता है और वो हमारे लिए नल को ठीक कर देते हैं, और इसीलिए ये हमारे मददगार हैं, है ना, और इन्हें हिंदी में नल साज बोलते हैं। डाकिया, डाकिया हमारे चिट्ठी, हमारे लिए चिट्ठी या कुरियर लेकर आते हैं, हमारे घर पहुँचाते हैं, ये हमारे अलग तरीके से मददगार बनते हैं, जो हमारे लिए नई नई खबर लेकर आते हैं, ये है डाकिया। नाई, जब हमारे बाल बड़े हो जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं कटवाने, हम नाई के पास जाते हैं, मतलब बार्बर के पास जाते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, बार्बर, उनके पास हम बाल कटवाने जाते हैं। अगला हमारे पास है राजमिस्त्री, मैसन। जब नए नए घर बनती है तो ये राजमिस्त्री के बिना घर नहीं बन सकता, वे क्या करते हैं, वे ईंट सीमेंट ये सब को मिलाकर अपना घर बनाने की, हमारे अच्छे सुंदर घर बनाने की कोशिश करते हैं, ये है राजमिस्त्री। अगला हमारे पास है किसान, किसान नहीं होते तो हम खाना पीना किस तरह से हमें प्राप्त होता, हमें खाना पीना ढूंढने के लिए हमें बहुत कठिनाई होती, किसान हमारे लिए खेती बाड़ी करते हैं, हमारे लिए अनाज उठाते हैं, और फिर इस अनाज को वे मार्केट में लेके जाते हैं, जिसके वजह से हम मार्केट में जाके दुकानों से हम हमारे अनाज हमें मिल जाते हैं, हमें खाना मिल जाता है जो हम वहाँ से खरीद के लाते हैं। धोबी, धोबी हमारे लिए कपड़े धोते हैं और इसलिए ही हमारे मददगार हैं। दर्जी, दर्जी में दर्जी, आपके नए कपड़े कौन सिलते हैं, दर्जी हमारे नए कपड़े सिलते हैं, तो ये इस तरह से हमारे मददगार बनते हैं। सैनिक, हमारे देश की रक्षा करते हैं कौन, हमारे देश के जवान, जवान मतलब हमारे देश के सैनिक, जो हमें दूसरे दुश्मन देशों से बचाते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, कहीं फ्लड हो गया हो, कहीं अर्थक्वेक हो गया हो तो सैनिक वहाँ जाते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, मतलब उन्हें बचाने के लिए, जितना हो सके सैनिक हमें हेल्प करने की, मदद करने की कोशिश करते हैं हर तरह से। नेक्स्ट है बढ़ई, बढ़ई मतलब कारपेंटर, अभी कारपेंटर क्या करते हैं आपके लिए, आपके लिए घर का सामान बनाते हैं, आपके लिए बेड, कवर, टेबल, चेयर, विंडोज, डोर्स ये सब बनाते हैं, और आपके घर को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये है हमारे मददगार, हमने सारे मददगार के बारे में कुछ ना कुछ जाना है, एक बार इसे हम पढ़ लेते हैं। डॉक्टर, कुम्हार, अध्यापक या शिक्षक, ग्वाला, सब्जी वाला, मोची, पुलिस, नलसाज, डाकिया, नाई, राजमिस्त्री, किसान, धोबी, दर्जी, सैनिक, बढ़ई। तो हमारे कुछ मददगार हैं जो हमें आज हर रोज हमारे काम में मदद करते हैं, हम भी उनके अलग तरीके से मदद होते हैं, तो बच्चों इन लोगों के बिना हमारा काम अधूरा है, तो ये है इसलिए हमारे मददगार। इस पाठ में आप
आपने पांच मददगार के बारे में जाना, किचन ईडर, काफ़ी सारे मददगार के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन या नॉलेज दिया है। बच्चों इसे घर में आप ज़रूर देखें इस वीडियो को, और घर में थोड़ी पढ़ाई भी करिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।